नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 5 जून 6 जून 7 जून तीनों का जो है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 6 जून के जो इतिहास है उससे। दोस्तों, 6 जून 1674 को ही शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक और साथ ही उन्होंने छत्रपति की उपाधि जो है ग्रहण की। वहीं फ्रेंड्स, 6 जून को ही 1968 में दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री तथा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हुआ। वहीं फ्रेंड्स, 1997 में 6 जून को बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड में विस्टेक नामक आर्थिक समूह सहयोग समूह का गठन हुआ। वहीं फ्रेंड, 1999 में 6 जून को भारत की पहली जोड़ी लिएंडर पेस और महेश भूपति ने टेनिस का ग्रैंड स्लैम जीता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के लिए कितने करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, 2971 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो दोस्तों, ये गुजरात में हुई है, गुजरात के गांधीनगर में। वहीं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो पैसिफिक डोमेन अवेयरनेस पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो फ्रेंड्स, ये क्वाड समूह के द्वारा शुरू की गई। मैं आपको बता दूं, क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा बना है? तो दोस्तों, फ्रंटियर जो अमेरिका का है वो सबसे तेज कंप्यूटर बन गया है। कहाँ का है? अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में चर्चित लिक्विड नैनो यूरिया किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो दोस्तों, ये भारतीय किसान उर्वरक सहकारी द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के कौन से महाधिवेशन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, 59वें अधिवेशन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मई 2022 में कितने लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह प्राप्त किया है? तो दोस्तों, ये 1.41 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि स्टोर ने कितने करोड़ रुपए की राजस्व सीमा को पार किया है? तो दोस्तों, ये 100 करोड़ रुपए की राजस्व सीमा को पार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, राजेश गैरा जी को नियुक्त किया गया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1978 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत कहाँ पर ड्रोन की मदद से डाक पहुँचाई है? तो दोस्तों, ये कच्छ, गुजरात में ऐसा हुआ है और 25 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय की गई ड्रोन के द्वारा। फ्रेंड्स, ये 7 जून का करंट अफेयर हम देखते हैं, पहले इतिहास देख लेते हैं। पहला दोस्तों इतिहास है, 1539 में बक्सर के पास चौसा की लड़ाई में अफगान शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया। वहीं दोस्तों, 7 जून 1893 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया। फ्रेंड्स, 7 जून 1979 को भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर 1 को सोवियत संघ के वियर्स लेक से छोड़ा गया। 2006 7 जून को भारत द्वारा नेपाल को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब रुपये देने का निर्णय लिया गया। आगे दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, MCQ क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो दोस्तों, IIM अहमदाबाद ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में गेको की एक नई प्रजाति की उपस्थिति की खोज की गई है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, सिंगुआ यूनिवर्सिटी चीन की है, ये पहले स्थान पर रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों, कॉइन स्विच कुबेर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 7 जून को ये मनाया जाता है। 2019 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए
फेसलेस आरटीओ लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है। किस राज्य सरकार द्वारा एसीवी 14400 नाम का एक ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है, ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये किया है। हाल ही में लापता बच्चों को खोजने के लिए अलर्ट फीचर किस ऐप ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये इंस्टाग्राम ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया? तो दोस्तों अनुराग ठाकुर जी ने किया, ये युवा मामलों खेल मंत्री हैं, इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व कीट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 6 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये भी 6 जून को मनाया जाता है, 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने घोषणा की है कि जाति के आधार पर जनगणना की जाएगी? तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा की है। सॉरी फ्रेंड, इसमें ऑप्शन में केरल लिखा गया है लेकिन बिहार है इसका ऑप्शन, ठीक है। अरावली विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष से की गई? 1974-75 से की गई। किस राज्य सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों